अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का न्यू ब्लॉग मंडे, सैटरडे संडे बना नहीं सका और बिजी बहुत था चूँकि हमारे कुमैल की तबीयत सही नहीं थी उसकी वजह से। और आज का दिन बहुत खूबसूरत वेदर के साथ स्टार्ट है। आप लोग मेरे साथ भी चले, जॉब पे भी जा रहा हूँ, सफ़र भी दिखाता हूँ। बहुत तेज़ बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, आप देख सकते होंगे। मैं वाइपर भी चल रहा था, कितनी सेकंड्स पे बारिश गिर रही है और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं, तो मेरा सिर्फ 3.5 घंटे का ट्रैवल है, 3 घंटे का सफ़र है, जॉब पे पहुंचना है अभी। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, आज का ब्लॉग बनाते हैं मंडे का। आज बहुत बिजी दिन है, तो फिर आप मेरे साथ रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान में भी बारिश हो रही होंगी, मगर और यहाँ की बारिश, पाकिस्तान की बारिश में ज़मीन आसमान का फर्क है। और ये बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा खास। मैं स्पीड जा नहीं रहा तेज़ चलाऊँ, स्पीड बहुत स्लो रखी हुई है और बहुत लाइटली नज़र आ रहा है। आगे गाड़ी खड़ी हुई है, मगर मैं थोड़ा सा फासले में रख के चलाऊँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको यहाँ भी पानी में नज़र आएगा रोडों पे ठीक ठाक, क्योंकि बारिश तो हो रही है ना अच्छी खासी, तो इतना तो हो हा के अमेरिका हो कहीं भी हो, पानी तो रोडों पे खड़ा होगा ना भाई। बारिश के बाद बारिश का भी तो कोई मुकाम है, बारिश हो रही है तेज। आप जैसे देख रहे होंगे अचानक रुक गई बारिश, अभी मैं समझो एक माइल भी मैंने क्रॉस नहीं किया होगा और बारिश रुक गई, मगर मौसम बहुत लेफ्ट, हमारा जीपीएस भी चल रहा है हाफ माइल में लेफ्ट करना है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वेदर अच्छा चल रहा है। अब थोड़ी स्पीड कर लेंगे, जहाँ जहाँ बारिश स्लो होती रहेगी वहाँ वहाँ तेज़ चलाएंगे हम, जहाँ स्लो जहाँ तेज़ बारिश होगी वहाँ थोड़ा स्लो कर लेंगे। हाईवे फ्री वे पर चढ़ गए हम लोग, लेफ्ट साइड पर भी गाड़ियाँ स्लो, यहाँ पर भी स्लो, ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, तो पानी रोडों पे भी जमा है, तो स्टीयरिंग ना थोड़ा स्विंग करता है, इसकी वजह से ना इजीली बंदा स्लो स्लो रखे गाड़ी, वो जहाँ रास्ता मिले इजीली चलते रहे, बेहतर रहे ट्रेलर से दूर रहे, और बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं उनसे ज़रा फासला रखे, ना पीछे रख होने दे, ना पीछे आने दे, ना आगे जाने दे, उससे थोड़ा सा बच के रहें क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। थोड़ा सा आज दूर जा रहे हैं, आज के वैसे मेरा लास्ट वीक पूरा दूर दूर का सफ़र था और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। मौसम जितना मैं रो रहा था ना गर्मी गर्मी गर्मी, और उतना ही अच्छा वेदर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक दो महीने की परेशानी थी, एक या डेढ़ महीने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वेदर अच्छा हो गया है। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेज़, सब ने हैज़र्ड लाइट जला दी है अपनी गाड़ियों की, और ब्लिंक कर रही होंगी आप लाइटें देख रहे होंगे, मेरा वाइपर देखने कितनी तेज़ चल रहा है। तो स्पीड भी जहाँ 70 होनी थी, जहाँ मैं 50 रखी हुई है 54 नॉर्मल, मगर बहुत से लोगों ने हैज़र्ड लाइट जलाई है, डर लग रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और तो आप गाड़ी देख रहे होंगे पानी चुराता हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया पानी का, बारिश का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे आगे लाइट भी ब्लिंक करते हुए जा रही है, तो मैं भी स्लो ही रखता हूँ, क्या चीज़ है क्या नहीं। जी भाई देखा, मौसम अच्छा हो चुका है, बादल छट चुके हैं, हम बारिश पीछे छोड़ के आ गए और खूब मंडते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पहुँचना है टाइम कवर भी करना है, और चूँकि पीछे बहुत स्लो चला रहे थे, 3.5 घंटे का सफ़र था, 4-5 घंटे ना लग जाए तो हमें पहुंचना है टाइम पे, 9 बजे तक पहुंचना है। मेरा जीपीएस दिखा रहा है 9:30 तक मैं पहुंचूंगा, देखते हैं अल्लाह मालिक है। जो जीपीएस बोलता है भाई, पत्थर की लकीर होती है, 1-2 मिनट का ही फ़र्क होता है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है आप ऑन टाइम पर पहुँच जाए, जो यहाँ का जीपीएस बताता है ना उसी टाइम पर आप पहुँचते हो, या इनकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत प्यारी है जीपीएस वालों की, क्योंकि रोड के हिसाब से बिल्कुल उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था, भाई आप ये रास्ता है इतने मिनट में पहुंचेंगे, तो आप उसके 1-2 मिनट का फर्क रहेगा, क्योंकि आप मंड रहे होंगे तेज चला रहे होंगे, तो वरना तो मुझे नहीं लगता आप आधे घंटे का फर्क रख लोगे ना।
भाई सिर्फ 4 या 5 मिनट, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी जान लगा, पूरी जान लगा लो। जो आप अभी 100 माइल पर जा रहे होंगे तो फिर पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो आप कम से कम भी 75-80 माइल पर रखें और नॉर्मल चलाते रहें, सेफ रखें अपने आप को और सुकून में चलाएं, ज़्यादा वो ना करें। अब देखें वेदर बिल्कुल, रोशनी कैसी हो गई है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यू। और स्कूल वैन भी जा रही है आगे, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो ये सीन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा वेदर हो गया, कितना क्लियर हो गया है, सुकून में जा रहे हैं। तो साइड में पानी जमा था, उस गाड़ी से पानी उड़ रहा है, मगर बहुत प्यारा क्लियर वेदर हो चुका है, धुल चुका है, हर चीज़ धुल चुकी है। और आराम से मंडते हुए जा रहे हैं, रूस लगा देते हैं, पाँव में ऊपर रख लें आप सुकून से, और चलते जाएं। अभी और सफ़र है थोड़ा, 8:30 हो गए हैं, 9:30 तक पहुँचेंगे हम जॉब पे। डिफरेंट साइट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया था लास्ट वीक मेरा, बहुत ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, 4-5 घंटे का मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं सोच रहा था बनाऊँ मगर फिर मैं थकन बहुत थी आज, मेरे साथ रहे चूँकि वीकेंड्स पे भी वीडियो बना नहीं सका। तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं, आज का दिन भी मेरा बहुत लॉन्ग दिन है। जो मेरा टाइम टेबल है अभी, इस जॉब से वापसी मेरा 4 घंटे की जॉब है वहाँ पर, वो 4 घंटे की जॉब करके वापसी 3 घंटे की ड्राइव करके घर जाना है, फिर शाम में दोबारा जॉब है। तो आज थोड़ा सा टाइम टेबल आउट है, देखिए अल्लाह ताला हिम्मत दे जहाँ मैं अपनी ये जॉब कंप्लीट कर सकूँ, और देखते क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन पे पहुँच गए जॉब की, और 9:30 हो गए, एक कार वॉश है, इसमें छोटा सा काम है अभी। हमारा जो कोवर के साथ काम करने वाला वो अभी पहुँचा नहीं है, उसका भी 3.5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में होगा, बारिश हो रही है, पहुँचते ही होगा, दिखाते हैं अंदर। ये हमने इंस्टॉल किया है, ये तो वर्क कर रहा है, मगर जो ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये भी कनेक्ट नहीं हुई हुई। जब गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से तो फिर सोप गिर रहा है तो लाइट ऑन होती है, तो कनेक्शन है यहाँ पर, ये है ना, इसकी वायरिंग ना कनेक्ट नहीं हुई पावर की। लास्ट टाइम हम आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे इलेक्ट्रिशियन है वो करेंगे, मगर अब बोल रहे हैं कि नहीं ये भी आपने कनेक्ट करना है। तो हम दोबारा आए यहाँ पर कनेक्ट करने, तो वहाँ से लैंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। देखते हैं आज कितनी देर में ख़त्म होता है, अभी आपको बताते हैं। फिर वापसी भी जाना है, दूसरी लोकेशन भी है, मिलते हैं, साथ रहिएगा। एक टीवी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, अभी इसकी कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, उन्होंने बोला था खुद करेंगे। यहाँ से गाड़ी पे करके अब यहाँ से गाड़ी लेके अंदर जाते हैं, और फिर कार वॉश के अंदर गाड़ियाँ धुलवाते हैं, ये वाला सीन होता है। तो आज छोटे मोटे काम है, जल्दी जल्दी ख़त्म करके निकलना है, मिलते हैं, साथ रहिएगा, चलते रहें। पुराना सिस्टम लगा हुआ है जिसका टच स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा, तो आप बुला रहे हैं, बुलाए आ ही नहीं रहा। ये हमने माउस कनेक्ट किया है यहाँ पर, जो अब ये काम करेगा वहाँ पर। अब पहले देखा था आपने ना, वायरें कनेक्ट की थी, हमने वायरें कनेक्ट कर दें, इंशाल्लाह अभी लाइट भी जल जाएगी, वो भी दिखाएंगे आपको। भैया टेस्टिंग हो रही है, लाइट ऑन हो रही है, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इश्यू है, वाई कनेक्ट कर दी है जितना हो सके साफ सुथरी, सारी वायर कनेक्ट कर दी है, इसका कवर लेके आना है, बाकी ऑलरेडी सारी वायर रिले कनेक्ट कर दिए, पंखा टूटा हुआ है, बड़ा बुरा हाल है। लाइटें ख़त्म हो गई, बाहर कनेक्ट करना था ना, ये टीवी कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट केबल कनेक्ट कर दिए, और फिर टीवी ऑन हो जाएगा, जैसे अंदर टीवी चल रहा है ना वैसा ऑन हो जाएगा, अभी ऑन करके दिखाएंगे आपको।
अच्छा भैया ऑन हो रहा है ये टीवी, ऑन हो जा, ऑन हो जा, पावर। ये देखिए ऑन हो रहा है टीवी। ये चीज़ ऑन हो गई, ठीक है, कैसे चलता रहेगा। रेडी टू गो। यहाँ पर ये होता है हर जगह ना माइक्रोवेव ओवन ज़रूर होता है, हर कोई भी बिजनेस हो क्या हो। तो मैं लेके आया था आलू वाला पराठा, तो चलें आप लोग भी खाते हैं। हम खिला रहा है, काम तो ख़त्म हो गया, हमने आलू वाला पराठा भी गर्म कर लिया, मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना हो रहा है, तो हम रेडी टू गो है सफ़र में दोबारा। तो हमने बोला थोड़ा सा आलू वाला पराठा, होए गरम 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 चटनियाँ भी हैं हमारे पास, तिल की चटनी है, पुदीने की चटनी है भाई, खाना वाना बहुत सॉलिड रखा हुआ है भाई, मूँगफली का सेटअप बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव भी होता है। हाँ जी यार, सॉरी यार, मैंने आलू वाला पराठा खा चुका था, बुरी कॉल आ गई थी, इसमें लग गया था, मैं कैंसिल कर गया, सफ़र भी लंबा था, सफ़र में मैं निकल गया, अब मैं पहुँचने वाला हूँ। स्टिल बारिश हो रही है, सुबह से रात हो गई अभी तक बारिश हो रही है और मौसम अच्छा है। 8:16 हो रहे हैं। आपको पता है वाला एक स्टोर जिसपे लाइटें लगानी थी बल्ब, शायद मैं वो स्टोर जा रहा हूँ, उस पर शायद बल्ब मेरे पर गाड़ी में रखे हुए ट्रक में, तो इंशाल्लाह मैं शायद इंस्टॉल कर दूँ, देखें हो सकता है मौसम अच्छा रहा वहाँ पर, बारिश ज़्यादा नहीं रही, तो मैं इंशाल्लाह इंस्टॉल करके दूँ, फिर वहाँ पर इंशाल्लाह ब्लॉग ख़त्म करते हैं, साथ रहिएगा। देख रहे हैं इस बार मैंने क्या प्लान किया है, ट्रक के ऊपर गाड़ी ऊपर खड़े सीढ़ी खड़ी करके बर्फ़ लगा दिया, बर्फ़ ऑन हो गया, दो और चेंज करने, रेडी टू गो भी घर चलें, वो टाइम हो गया भाई। देखें चारों लाइटें, ओए ओए चलो भाई निकलो। हाँ भाई, चारों लाइटें चेंज हो गई हैं, माशाल्लाह मो बहुत ब्राइट हो गए बेचारे, कितने अरसे से रो रहे थे लाइट आके लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सेट, चलो भाई निकलते हैं आप। हाँ जी घर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया हमारा, बल्ब लग गए हैं। Use the right two lanes to take exit 47B, then keep right at the fork. Right, चलो 40, सही है, 47B ले ली हमने, और आपको Dallas downtown दिखाते हैं आपको. Keep right at the fork. Okay, baby. Okay. All right, देखें downtown चल रहा है, weather खूबसूरत है, और downtown की buildings, ऊपर आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह इट्स ब्यूटीफुल। देखें हम जा रहे हैं डाउनटाउन में से, और खूबसूरत वेदर, आसमान देखें, बादल देखें, और ये डाउनटाउन की बिल्डिंग्स, वाह ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा मंजर है, होता है यहाँ से गुजरना। 75 नॉर्थ जा रहे हैं और ये खूबसूरत बिल्डिंग से गुजरना पड़ता है, ऊपर से वेदर आसमान कितना प्यारा लग रहा है, नो डाउट। चलें घर पे मिलते हैं, फिर ये ब्लॉग एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए, आज का बारिश का दिन रहा, बहुत बारिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गए, खैर खैरियत से आगे लॉन्ग ड्राइव थी, और बल्ब भी चेंज हो रहे थे, बल्ब भी चेंज हो गए, बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे काम हो गए आज, और पाकिस्तान में भी बहुत बारिश हो रही है, अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, सबके जो काम है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सैटरडे संडे नहीं बना सका ब्लॉग बिकॉज कुमैल की तबीयत सही नहीं थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे संडे इंशाल्लाह ब्लॉग आएंगे, या देखें इस वीक में एक दो ब्लॉग ऑफ डाल दूँ मैं, इंशाल्लाह भी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।